का गुल और आप देख रहे हैं मेरा आपका हम सबका फेवरेट प्रोग्राम शहरनामा। कहते हैं कि तारीख हमेशा तारीख रकम करने वालों को याद रखती है और आज हम जिस शहर की तरफ कूच कर रहे हैं वहां तारीख के वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम की गूंज आज भी सुनाई देती है। इस शहर को आबाद किया था एक वजीर ने और फिर शहर ने भी वफा निभाई और फिर उसी वजीर के नाम से मंसूब होकर रह गया और इस शहर ने बड़ा नाम कमाया है असलहा साजी में। और तो और यहाँ के छुरियों और कांटे पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आइए अपनी सैर का आगाज करते हैं और चलते हैं द सिटी ऑफ कटलरी यानी के वजीराबाद। चुकी हूँ वजीराबाद और इस वक्त मैं खड़ी हूँ बाबे वजीराबाद के बिल्कुल सामने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वजीराबाद की तारीख की। इस शहर को आबाद किया था नवाब वजीर खान ने 17th सेंचुरी में, जो कि मुगल शहनशाह शाहजहां के वजीर थे। आपका ताल्लुक चिन्नौर से था और आपका असल नाम जो था वो था शेख अलीमुद्दीन अंसारी और आप शाही घराने के एक मशहूर तबीब और मुआलिज थे। आपने शहनशाह जहांगीर की मलिका नूरजहां का इलाज किया था और तभी से आपका शाही दरबार में एक अलग ही मकाम था और फिर आपको लाहौर का गवर्नर भी बना दिया गया था। आपने अगर देख रखा हो लाहौर में एक तारीखी मस्जिद है, मस्जिद वजीर खान, तो ये इन्हीं वजीर खान के नाम से मंसूब की जाती है और आज भी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ वहाँ खड़ी है। तो ये शहर जब से आबाद हुआ तब से लेके आज तक कभी वीरान नहीं हुआ, हालांकि इसने कई उरूजो जवाल देखे, कई अद्वार देखे। जैसा कि 1760 में यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के दादा चड़त सिंह ने कब्जा किया था और जब उन्होंने इस इलाके पर कब्जा किया तो मुख्तलिफ दीगर कस्बों समेत वजीराबाद को भी अपनी लपेट में ले लिया। फिर अगर 1809 की बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर आ गए, कब्जा कर लिया और अपने एक इटालियन फ्रेंच फौजी जनरल एविटाबले, जिसको अबू तबेला भी कहा जाता है, उसको यहाँ का गवर्नर बना दिया। फिर 1855 में जराल राजपूतों ने यहाँ की हुकूमत संभाल ली और उस दौर में यहाँ पर असलहा साजी आम थी। अगर बात करें कदीम दौर की तो वजीराबाद को जली हेडक्वार्टर की हैसियत हासिल थी और इसमें जो इलाके शामिल होते थे वो सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा और गुरदासपुर, लेकिन 1852 में इसको प्रॉपरली गुजरांवाला में शामिल कर दिया गया। फिर जब यहाँ पर ब्रिटिश राज आया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी फौजी छावनी भी थी, फिर जिसको 1855 में सियालकोट में मुंतकिल कर दिया गया। ये थी सारी तारीख इस खित्ते की। तो आइए वजीराबाद की सैर का आगाज करते हैं। वजीराबाद जो कल तक गुजरांवाला की तहसील हुआ करता था आज एक खुद मुख्तार जिला की हैसियत रखता है। साबिक वजीराला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत में वजीराबाद को जिला का दर्जा दिया गया था। तहम बाद में हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था, लेकिन 21 फरवरी 2023 को निगरान हुकूमत के फैसले के खिलाफ केस की समाअत हुई और वजीराबाद का जिला का दर्जा बहाल कर दिया गया। रचना दुआब के इलाके में वाक़ इस नौजायदा जिला वजीराबाद की दो तहसीलें हैं, जिनमें तहसील वजीराबाद और तहसील अलीपुर चट्ठा शामिल है। जिला वजीराबाद की सरहदें गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और गुजरांवाला के इजलास से मिलती हैं। वजीराबाद ग्रैंड ट्रंक रोड पर लाहौर से शुमाल में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर दरियाए चनाब के किनारे वाके है। ये सियालकोट से 45 किलोमीटर, गुजरांवाला से 30 किलोमीटर और गुजरात से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर वाके है। जिला वजीराबाद का कुल रकबा 1336 मुरब्बा किलोमीटर है। जिला की कुल आबादी 8,91,255 नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें मर्दों की कुल तादाद 4,38,814, खवातीन की कुल तादाद 4,52,335 जबकि 106 ख्वाजा सरा शामिल है। जिला वजीराबाद के बड़े कबाइल और बरादरियों में राजपूत, कश्मीरी, मुगल, चट्ठे, चीमे और वड़ायत शामिल है और इस खित्ते में पंजाबी जुबान का मरकजी लहजा माझी कसरत इस्तेमाल रहता है।
वजीराबाद का खित्ता अहम शख्सियात के हवाले से हमेशा जरखेज रहा है। मुल्क की कई नामवर सियासी, समाजी, इल्मी और अदबी शख्सियात का ताल्लुक इस खित्ते से है। यहाँ के मशाहीर में सरे फहरिस्त इस खित्ते की बुनियाद रखने वाले नवाब वजीर खान का नाम आता है। उनके अलावा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हामिद नासिर चट्ठा, साबिक डीजी हेल्थ पंजाब और मेंबर कौमी असम्बली निसार अहमद चीमा, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, साबिक सदर पाकिस्तान मोहम्मद रफीक तारर, कारकुन तहरीक पाकिस्तान और बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान, कॉलम निगार अताउल हक कासमी, तरक्की पसंद शायर नून मीम राशिद, भारतीय सहाफी लाला जगत नारायण, मजाया स्टेज अदाकार बब्बू बराल, मुसन्निफ मुन्नू भाई, मुसन्निफ मजहरुल इस्लाम, मुसन्निफा रजिया भट्ट, मुसव्विर अल्लाह बख्श और गुलूकार आतिफ असलम का ताल्लुक भी वजीराबाद से ही है। हरियाली हरियाली है और मैं इस वक्त तारीख का एक खूबसूरत शाहकार उसका नज़ारा कर रही हूँ और इसको कहा जाता है बाउली। अगर देखा जाए तो बाउली संस्कृत जुबान का लफ्ज है। एक तो माने इसके ये बनते हैं कि एक मेंटली रिटार्ड खातून, यानी जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो। लेकिन अगर देखा जाए तो बाउली का एक और भी मतलब है, एक बहुत बड़ा कुआं और उसमें से सीढ़ियाँ जाती हैं पानी की सतह तक। तो तारीख में अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स गुजरे हैं, जिसमें शेर शाह सूरी हो गए, फिर राजपूत खानदान हो गए, जिन्होंने तामीराती काम बड़ा खूबसूरत किया है। उन्होंने सराय बनाए हैं, कुएं बनाए हैं, बाउलियां बनाई हैं। उनका जो एक खास मकसद हुआ करता था, यानी अगर हर सड़क, ये जो जरनैली सड़क हो गई, फिर ग्रैंड ट्रंक रोड हो गए, वहाँ पर आपको जो इर्द गिर्द तामीराती काम नज़र आता है, उनका मकसद ये होता था ख़ास तौर पर कि जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं उनको रेस्ट करने का, सस्ताने का मौका मिल सके, उनको ठंडा पानी मुहैया हो सके। तो बाउली का भी यही मकसद हुआ करता था। लेकिन देखा गया है कि बाउली की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। बाउली के इर्द गिर्द कमरे भी बनाए जाते थे, फिर इसके अलावा यहाँ पर खुफिया रास्ते भी हुआ करते थे, ताकि हंगामी हालात की सूरत में जो उमरा हैं और हुक्मरान हैं वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ सकें। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वजीराबाद के एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से गाँव जिसे धोंकल कहा जाता है, और यहाँ पर मैंने देखा एक तारीखी बाउली मौजूद है। यहाँ आकर खुशी हुई, लेकिन साथ ही साथ मेरा दिल भी दुखा, यकीन करें, क्योंकि अगर आप देखें अंदर तो इतना कूड़ा करकट है, उसका ढेर लगा हुआ है। अवाम और यहाँ के जो रिहायशी हैं, मैं हैरान हूँ कि हमारे जो तारीखी शाहकार हैं उनको क्यों उनका ख्याल नहीं रखते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये दोबारा हमें नहीं मिलने वाली, ये नायाब होती जा रही हैं। आने वाली नस्लों को हम सिर्फ किताबों में या तो पढ़ा सकेंगे या कहानी ज़ुबानी सुना सकेंगे, ये चीज़ें तब मौजूद नहीं होंगी। तो मेरी ये दरख्वास्त है हुकूमत से या सारे कदीमा से या जो भी इनसे लिंक्ड लोग हैं कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये बहुत ही नायाब चीज़ें हैं और ये दोबारा हमें नहीं मिलने वाली। अगर देखा जाए तो हमारा प्यारा पाकिस्तान तारीख के खूबसूरत शाहकारों से भरपूर है। मैंने अभी आपको एक तारीखी बाउली दिखाई और ये भी बताया कि बाउली आखिर होती क्या है, लेकिन इस वक्त मैं एक तारीखी मस्जिद में मौजूद हूँ जिसके बारे में गालिबन कहा जाता है कि इसको 1540 से 1545 के दरमियान तामीर किया गया था। और जब इसको तामीर किया गया था तो वो दौरे हुकूमत था शेरशाह सूरी का, और जैसा कि वो हमारे तारीख का एक अजीम लीडर हुक्मरान है जिसने अवाम के लिए और ज़माने को मॉडर्न करने के लिए बड़ी बड़ी तामीरात की, जिसमें बहुत कुछ आ जाता है, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड आ जाता है। तो अगर देखा जाए ये मस्जिद भी बिल्कुल ग्रैंड ट्रंक रोड के करीबी वाक़ है।
ये जो मैंने भी आपको बावली दिखाई थी, बावली से चंद कदम के फासले पर है। तो जब आप कभी भी वजीराबाद आएँ तो इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस मस्जिद में आके मुझे एक तो बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी कि बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत सी, लेकिन अगर इन दीवारों को देखें तो साफ पता चलता है कि वाकई तारीखी मस्जिद है और ये पुराना काम है जो अब भी मौजूद है। और अगर इसकी कुछ मज़ीद दीवारें देखें जैसे कि ये, तो अगर ये दीवार देखें तो पता चलता है कि इस पर जो इनकी तज़ीन व आराइश करने वाला महकमा है, आसार कदीमा है या लोकल गवर्नमेंट है, वो इसकी मज़ीद मुरम्मत के लिए काम कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर इसको प्रॉपरली फंक्शनल किया जाए, इसकी तज़ीन व आराइश की जाए, तो ये एक खूबसूरत जो इकदाम है उनमें से एक होगा। मैं इस वक्त एक हुर्रियत पसंद नामवर शायर शोला बयां मुकर्रर और बाबा सहाफत के नाम से पहचान रखने वाले अजीम रहनुमा मौलाना जफर अली खान की आखिरी हरामगाह पर मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इसी अहाते में उनकी आबाई रिहाइश का और उनके नाम से एक मस्जिद मंसूब है वो भी देखने को मिलेगी। अगर आपकी बात की जाए तो आप 18 जनवरी 1873 को वजीराबाद के एक सरहदी गाँव में पैदा हुए थे। आप एक एहतसास शख्सियत के मालिक थे, एक बेबाक सहाफ़ी थे। आपकी शायरी में मजहबी और इनकलाबी रंग आम देखने को मिलता था। आपने अपनी सहाफत, खिताबत और शायरी के ज़रिए तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। आप 27 नवंबर 1956 को वजीराबाद के एक गांव में ही आपकी वफात हुई और यहीं पर आप मदफून हैं। और आज आपको हमसे बिछड़े तकरीबन 66 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज भी आने वाला हर नया सहाफ़ी आप ही की सहाफत, आप ही की खिताबत और शायरी को फॉलो करता है। आइए मिलके फातह खानी करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं वजीराबाद का तारीखी रेलवे स्टेशन। 1899 को इसको फाल किया गया था, जबकि इसको दोबारा कंप्लीट किया 1920 में। अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें वो ये कि 6 सितंबर को होने वाली जंग का आगाज भी इसी मकाम से हुआ था, जिसके नतीजे में ये रेलवे स्टेशन तबाह हो गया था। इसको फिर से बनाया गया। अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसकी लंबाई है 325 किलोमीटर, और इस रेलवे स्टेशन से एक निकलती है मेन लाइन जबकि दो ब्रांच लाइन। मेन लाइन वो है जो कराची से वरास्ता लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर तक जाती है। एक ब्रांच लाइन जो वजीराबाद से होती हुई समड़ियाल, सियालकोट जंक्शन और फिर बॉर्डर पार जम्मू रेलवे स्टेशन तक जाती थी, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। दूसरी ब्रांच लाइन वजीराबाद से होती हुई हाफजाबाद, सांगला हिल जंक्शन, फैसलाबाद, शोरकोट जंक्शन और फिर खानेवाल जंक्शन से होती हुई फिर से मेन लाइन में शामिल हो जाती है। और अगर देखा जाए ये हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, और काफ़ी साल पहले तक ये बहुत साफ़ सुथरा था और अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल भी किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर आके देखा कि ये जबूहाली का शिकार है। इसके अलावा इतना बड़ा रेलवे स्टेशन होने के बावजूद यहाँ पर प्रॉपर टिकटिंग सिस्टम नहीं है, तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे इन तारीखी असासों की हिफाजत करें। व्यूअर्स,
वजीराबाद का शुमार तारीखी शहरों में किया जाता है और इस वक्त भी मैं एक तारीखी मकाम पर मौजूद हूँ। इसे कहा जाता है मुसम्मन बुर्ज और मैं उसी के अहाते में मौजूद हूँ। मुसम्मन फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है हशतम यानी कि आठ। तो किसी दौर में यहाँ पर आठ बुर्ज हुआ करते थे, लेकिन अब जब आप शहर को आएंगे तो आपको एक ही बुर्ज देखने को मिलेगा क्योंकि सात उफ्तादे जमाना की नजर हो गए। और ये जो अहाता है ये तकरीबन 50 से 60 कनाल पर मुहित था और यहाँ पर मुख्तलिफ इमारतें हुआ करती थी। दो दाखिली दरवाजे थे, हर एक पे चार चार बुर्ज हुआ करते थे और इसकी जो तामीर है वो की गई थी मुगल दौरे हुकूमत में, शाहजहां के जो वजीर थे अलीमुद्दीन उन्होंने करवाई थी 1639 में। फिर मुगलों के बाद यहाँ पर सिख राज आ गया और फिर सिखों के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जवाल आया और ये जगह की जो रोशनियाँ हैं वो मांद पड़ गई। लेकिन आज भी यहाँ पर वो बाग देखने को मिलेगा क्योंकि हम जब भी किसी मुग़ल दौर में जाते हैं, मुग़ल तामीरात की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी हर तामीर के इर्द गिर्द एक खूबसूरत सा बाग, हरा भरा बाग रखा होता है। तो यहाँ पर भी आप आएंगे तो आपको एक बड़ा खूबसूरत बाग देखने को मिलेगा जो आज भी फलदार दरख्तों से और फूलदार पौधों से भरपूर है। तो आइए यहाँ के किसी मकामी से बात करते हैं और जानते हैं कि ये इलाका तो मांद पड़ गया था, आखिर ये लोग कौन हैं और इन्होंने इसको कब आबाद किया। व्यूअर्स, मैंने आपको अभी मुसम्मन बुर्ज की तारीख के बारे में बताया और ये भी बताया कि इस जगह की जो रोशनियां हैं वो मांद पड़ गई थी महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत के जवाल के साथ ही। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने देखा है कि ये जगह तो आबाद है और बहुत अच्छे से आबाद है और मेरे साथ राजाओं महाराजाओं के एक सपूत मौजूद हैं, डॉक्टर राजा अताउल्ला साहब। उनसे जानते हैं कि इन्होंने इस जगह को कब आबाद किया। इस जगह को मेरे बुजुर्गों ने आबाद किया, मेरा तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। 1850 के करीब लगभग राजौरी में हुकूमत थी हमारे खानदान की, जिराल्स की। अच्छा जी। और पिछले 650-700 साल से वहाँ पे हुक्मरानी थी। फिर डोगरा राज जब आया और ब्रिटिश हुकूमत ने मिल के जंग की और जराल्स के साथ उनको वहाँ से निकलने पे मजबूर किया। अच्छा। तब जो राजा राजौर थे उनके एक बेटे जो थे वो इंडिया की साइड पे आबाद हो गए। ओके। राजा फकीरुल्लाह खान जिनकी पीढ़ी से मैं हूँ उन्होंने आके ये जगह खरीदी अंग्रेज़ों से उस वक्त। सही। और राजा फकीरुल्लाह खान से मैं अब माशाल्लाह छठी नस्ल हूँ और मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह सातवीं नस्ल है जो हम सात नस्ल से इस जगह को आबाद रखे। अभी सर आपने कहा कि मेरे बाप दादाओं ने आबाद किया, मैंने नहीं किया, लेकिन हमारा मानना यह है कि तारीख तभी बचती है ना अगर उसको बचाने वाला हो। के हमने जरूर रखा है, उसमें मेरे सारे खानदान का बहुत बड़ा रोल है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरी जात का नहीं, खानदान के हर फर्द ने इस जगह को आबाद रखने में अपना किरदार अदा। और आप यकीन करें इस चार दीवारी में दाखिल होते ही मुझे वो वाकई वो राजाओं वाली फील आई और आप लोगों को देख के आपका रहन सहन देख बहुत प्यार, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं ये इस पूरे मुसम्मन बुर्ज में जो घर हैं सारे हमारे खानदान के। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इसका जो तारीखी बाग है ये अब तक कायम है, इसकी क्या वजह? ये जब बुजुर्गों ने खरीदा ना राजा फकीरुल्लाह खान ने जगह आबाद की तो तमाम बुजुर्गों ने ये आपस में तय किया था। अनफॉर्चुनेटली वो रिटर्न तो नहीं था कि कुछ स्टाम्प पेपर तो बनते नहीं थे, उन्होंने ये तय किया था कि इस बाग की शक्ल को नहीं बदला जाएगा। ये तो बहुत अच्छी, इसलिए ना इस बाग के अंदर कोई घर बन सकता है, ना कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ना इसको बेचा जा सकता है। वाह। तो सर जैसे अब ये तारीखी इमारत है फिर वो जो मुझे एक नजर आ रही है ये सामने जो आप देख रहे हैं ये खास राजा महाराजा रंजीत सिंह। ओके। पंजाब ने एक सही लीडर पैदा किया राजा रंजीत सिंह, ना हुआ फिर ना दोबारा मेरा ख्याल है पंजाब ने अभी तक नहीं किया। उसका ये खास कमरा। अच्छा अच्छा। और इसके अंदर अभी भी उस जमाने की बनी हुई पेंटिंग्स दीवारों पे उसी तरह महफूज हैं, ओरिजिनल हालत में। तो आप खुश हैं कि आपने इसको इतने अच्छे तरीके से संभाला है। हमारा तो क्योंकि मैं अब जिसने आप बताया छठी नस्ल हमारे राजा फकीरुल्लाह खान से लेके अब तक सब यहाँ वजीराबाद दफन है। अच्छा। तो हमारी तो ये ख्वाहिश होती है कि जिस कोने में भी हों हमारी कबर ही आई। चले थैंक यू सो मच सर, आपने इतने खूबसूरत तरीके से तारीख को संभाला और आपसे बात दुआ करें अल्लाह इसको सलामत रखे। आमीन आमीन।
नाज़रीन, वज़ीराबाद में सेहत की सहूलियात की फरहमी की बात करें तो ज़िली हैसियत मिलने के बाद यहाँ पर एक THQ हॉस्पिटल, 7 दही सेहत के मराकज़, 26 बुनियादी सेहत के मराकज़, जबकि 12 दही डिस्पेंसरीज काम कर रही हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ THQ वज़ीराबाद में, और अगर इसकी साबका साल की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर OPD में जो पेशेंट्स का आना जाना हुआ और उनको ट्रीट किया गया वो तकरीबन 4 लाख की तादाद है। 13,000 के करीब पेशेंट्स को यहाँ पर दाखिल किया गया, 3,000 के करीब यहाँ पर सर्जरीज की गई, जबकि इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आए उनकी तादाद तकरीबन 1,10,000 के करीब है और तकरीबन 9,000 पेशेंट्स को डायलिसिस की सहूलियात फराहम की गई। लेकिन ज़िला करार देने के बावजूद यहाँ पर अभी तक कोई DHQ हॉस्पिटल नहीं है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि यहाँ पर एक प्रॉपर DHQ हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाए, या तो इसी बिल्डिंग को कन्वर्ट किया जाए या अलग से कोई बिल्डिंग दी जाए। इसी तरह अगर देखा जाए तो इसकी जो तहसील है अलीपुर चट्ठा वो एक प्रॉपर तहसील का दर्जा रखती है, लेकिन वहाँ पर ताहाल कोई THQ सेंटर नहीं है। इसके अलावा अगर आप गखड़ की बात करें तो गखड़ एक प्रॉपर टाउन है जो एक बड़े शहर की हैसियत रखता है, वहाँ पर भी कोई बड़ा अपग्रेडेड हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर जो बेसिक इश्यूज देखने को मिले हैं वो ये कि यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पर अमले की कमी है, फंड्स की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपरली पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं दिए जा रहे। हाँ, यहाँ पर एक लोकल NGO की हेल्प से एक डायलिसिस सेंटर बनाया गया है जिसकी वजह से डेली बेसिस पर दर्जनों पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक और बड़ा मसला वो ये है कि जब से इस ज़िला की शमूलियत गुजरात डिवीज़न में की गई है तब से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है, वो ये कि यहाँ के मसाइल गुजरात डिवीज़न के पास जाएंगे या गुजरांवाला डिवीज़न के पास। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए, यहाँ पर प्रॉपर हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स को प्रोवाइड किया जाए, यहाँ पर अमले की, यहाँ पर डॉक्टर्स की और फंड्स की जो सहूलत है उसको यकीनी बनाया जाए। शहर वज़ीराबाद में अगर आप तालीमी मयार देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो शरा खानदगी है वो 55% है। तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर 311 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 50 मिडिल स्कूल्स हैं, 75 हाई स्कूल्स हैं और 6 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इसके अलावा 1 DPS है। अगर कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर 2 गर्ल्स कॉलेज, 1 बॉयज़ कॉलेज और 1 कॉमर्स कॉलेज है। और अफसोसनाक बात ये कि जो कॉमर्स कॉलेज है वो किराए की बिल्डिंग में चलाया जा रहा है। अलीपुर चट्ठा की बात करें तो वहाँ पर भी 1 गर्ल्स कॉलेज, 1 बॉयज़ कॉलेज है। इसके अलावा गखड़ में भी 1 गर्ल्स कॉलेज और 1 बॉयज़ कॉलेज है। लेकिन चूंकि अभी इस शहर वज़ीराबाद को ज़िला का दर्जा दिया गया है तो यहाँ पर कोई बड़ा तालीमी इदारा नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हुकूमती अरकान और ज़िलाई एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि तुलबा की हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पर एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो तुलबा को बेसिक मसाइल दरकार हैं जिसमें टीचर्स की कमी है, उसके अलावा अमले की कमी है, उसके अलावा बजट का इशू है, बजट की बहुत ज़्यादा किल्लत है, फिर पीने के जो साफ़ पानी है उसके बड़े मसाइल हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें ताकि बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, वज़ीराबाद में अगर क्राइम रेट की बात करें तो यहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें एक मामूल हैं। अगर 2021 और 2022 का मवाजना करें तो क्राइम ग्राफ जो है वो तकरीबन 13% बड़ा है। अगर देखा जाए यहाँ पर मनशियात तकरीबन 238 kg के करीब, जबकि शराब 20,000 लीटर के करीब तहवील में ली गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो चोरी की वारदातें हैं और रिपोर्ट हुई हैं वो तकरीबन 727 के करीब हैं, और जो इश्तिहारी मुलजमान जिनको गिरफ़्तार किया गया वो तकरीबन 1100 से भी ज़ायद हैं। कत्ल की जो वारदातें यहाँ पे हुई वो तकरीबन 41 के करीब हैं। अमन अमान कायम करने के लिए यहाँ पर तकरीबन 6 थाने हैं, 9 पुलिस चौकियाँ हैं, जबकि पुलिस नफरी अहलकारों अफसरान समेत 720 के करीब है, और जिसमें से सिर्फ 35 तफ्तीशी मौजूद हैं। तो एक अक्लमंद इंसान बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि इतने अवाम के लिए ये नफरी नहायत कम है। तो हुकूमत को चाहिए कि महकमा पुलिस पर तवज्जो दे ताकि इस नौजायदा ज़िले को यहाँ पर एक खूबसूरत मयार अमन अमान कायम करने के लिए अच्छे तरीके से ये महकमा काम कर सके। व्यूअर्स, ये आओ आओ
पाव वाली फिल्म तो हम सबने अपने बचपन में देख रखी है, और मैंने अपने शो में आपको हर चीज दिखा दी है जो आपको सरेआम नहीं मिलती। मैंने आपको रीच का तमाशा भी दिखाया था, फिर अभी रिसेंटली आपने वो घोड़ा डांस, ऊंट डांस और नाची बकरियां भी देखी, और आज आपके पेशे खिदमत है दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा शुतुरमुर्ग। और आते ही मैंने इनसे इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है कि इन्होंने मुझे अपना अंडा भी गिफ्ट कर दिया है, और ये तो मैं लेके जाऊंगी साथ। और अगर मैं आपको इनके फैक्ट्स के बारे में बताऊं, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, और मज़े की बात है कि उड़ नहीं सकता। और अगर देखा जाए तो इसका अंडा दुनिया में जितने भी अंडे हैं उन सबसे बड़ा है, और ये तकरीबन 1.5 से 2 kg इसका वेट होता है। और अगर आप इसको देखें ना, शुतुरमुर्ग को, तो कहते हैं कि ये तकरीबन 70 किलोमीटर/घंटा की स्पीड से भागता है। मतलब अगर आपको बस नहीं मिल रही, रिक्शा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, तो शुतुरमुर्ग पकड़ें और इसके ऊपर रेस शुरू कर दें। और रेस से बल्कि याद आया कि अफ्रीका में इसकी प्रॉपरली रेस होती है, वहाँ पे ट्रेन जो इनको केयर टेकर होते हैं, रेसर्स होते हैं, वो प्रॉपरली इसके ऊपर बैठते हैं, और इसकी कोई खास किस्म की सैडल्स बनती है उसके ऊपर, ये प्रॉपर तरीके से कहते हैं ना फिट होकर बैठते हैं, और इनकी प्रॉपर रेस होती है, बहुत तेज़ भागते हैं। और अगर मैं इनके गुस्से की बात करूँ ना, जैसे हम लोग लड़ते हुए अपने हाथ, मुक्के, घुस्से, टांगे चलाते हैं, तो भाई ये ऐसी टांग चलाते हैं कि अगर शेर, चीता, हाइना जैसा कोई जानवर इनके सामने आ जाए ना, तो भाई ऐसी टांग मारेंगे कि उनकी मौत भी हो सकती है। तो इतना ये ख़तरनाक है अगर इससे गुस्सा आ जाए। और इसकी आँखें देख के ऐसे लग रहा है कि कोई ये कोई परिंदा नहीं है, किसी भैंस से कम नहीं इसकी आँखों का साइज़ अगर आप गौर से देखें। और कहते हैं कि जो इसकी आँख है ना, वो इसके दिमाग से भी बड़ी होती है, और इसकी आई साइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फास्ट होती है, कि दूर से आने वाला कोई भी जो जानवर है ना, कोई इसका प्रीडेटर है, वो आराम से भांप लेता है। और बहुत ही खूबसूरत जानवर है अगर देखा जाए तो, लेकिन हमारे आम नहीं है, जैसे हमें मुर्गियाँ देखने को मिलती हैं और भी बाकी बहुत सारे परिंदे हम देखते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग आम नहीं है। और मैंने सुना है कि कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि भई इसको आप इसकी फार्मिंग करें तो हम आपको सपोर्ट करेंगे इसके फूड के हवाले से, इसकी फार्मिंग के हवाले से, लेकिन बेचारे हमारे फार्मर्स हमेशा की तरह उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की, कोशिश भी की, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ये ना हो कि मुझे हासिल हो जाए कुछ, क्योंकि ना मुझे सच में डर लग रहा है। मैंने सुना है कि अगर ये आपके सर में ठोंगे मारने पे है ना, तो आपको गंजा करके ही भेजते हैं। और मैं ना अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, उसमें क्या करते हैं, इनका अंडा उठाने के लिए ना आपको अपने सर पे कवर करना पड़ता है, आपको टोकरी के थ्रू नीचे आना पड़ता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर है। इसका गोश्त बड़ा मज़े का है, और गोश्त इसका जो इसके गोश्त का शुमार ना बड़े महंगे और अच्छे गोश्तों में होता है। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर रेट पता कीजिएगा, आप ना मटन शटन को भूल जाएंगे, काफ़ी महंगा गोश्त है इसका। तो ज़रा आप भी देखें कि ये क्या कर रहे हैं, और मैं भी ज़रा इनके साथ इंजॉय करती हूँ। कांटे, चम्मच, तलवारें, पता नहीं क्या क्या आता है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसको द सिटी ऑफ कटलरी कहते हैं, यहाँ पर कटलरी तैयार की जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर मेकिंग चल रही है, अगर आप ये देखें तो ये आप समझ रहे होंगे पता नहीं ये क्या चीज़ है, दूर से देखने में वैसे आईना भी लग रहा है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि भाई साहब इसको प्रॉपर शेप देंगे, या आप तब तक शेप दीजिए। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर प्रॉपर ये सारा सिस्टम है कि पूरे पाकिस्तान क्या बल्कि मुल्क से बाहर भी यहाँ से चम्मच, कटलरी का सारा सामान बाहर जाता है, जो कि बहुत ही पायदार है। और वज़ीराबाद का जो शुमार है वो पाकिस्तान के उन शहरों में किया जाता है जो मुल्की सन्नत और तिजारत में एक अपना ही मकाम रखते हैं। और तो और, क्या मैं पाकिस्तान से पहले यहाँ पर प्रॉपर असलहा साजी और एक बहुत सारी लकड़ी इसकी बड़ी मशहूर थी। जब ब्रिटिश राज आया तो फिर असलहा यहाँ पर बनना शुरू हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ कि वज़ीराबाद वो शहर है जहाँ से पहली दफ़ा आगाज़ हुआ था प्रेशर कुकर बनाने का। और ये देखें जी, शेप बन गई है। ये चम्मच मैंने आपको इस हाल में दिखाए थे और अब ये प्रॉपर इस शेप में बन चुके हैं।
आपके घर में रायते वाले बोल में, उसके अलावा सूप में मोस्टली ऐसे चम्मच होते हैं या कुछ ग्रेवी वगैरह के लिए। ये देखें लाइव बन रहा है यहाँ, और ये हमारे पूरे पाकिस्तान, क्या पूरे पाकिस्तान से बाहर भी जाता है, हमारी शान, वजीराबाद की शान इनफैक्ट। और अगर देखा जाए तो वजीराबाद में ये इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन वजीराबाद का चावल भी बड़ा मशहूर है और यहाँ पर स्पेशली चावल छड़ने का भी काम किया जाता है। तो आइए मैं आपको मजीद दिखाती हूँ कि ये जो सारा प्रोसेस है कटलरी का वो कैसे होता है, कैसे खाम से एक प्रॉपर चम्मच छुरी कांटा बनता है। आइए मेरे साथ। जैसा कि मैं आपको सैर करवा रही हूँ द सिटी ऑफ कटलरी यानी वजीराबाद की, और अब आपको वो दिखाने का वक्त आ गया है कि फैक्ट्री के बाद, इंडस्ट्री के बाद कैसे चीज़ें फाइनल फॉर्म में दुकान तक पहुँचती हैं। और इस वक्त मैं एक होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पर थोक के हिसाब से जिसे कहते हैं ना हिसाब, वो मिलता है आपको सारा माल। मेरे साथ दुकान के ओनर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शान है, शुक्र है। बड़ा खुश हैं आप हैं? क्यों खुश हैं इतना? बस वजीराबाद की कटलरी की वैरायटी बेचते हैं इसलिए खुश हैं। नहीं, मुझे लगता है बाबा आप कमा रहे हैं इतना खुश। आजकल के जमाने में तो कौन है, कोई भी नहीं। अल्लाह का शुक्र, बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो अभी मैं फैक्ट्री में थी तो मैंने देखा की वो जैसे खाम चम्मच था उसको प्रॉपर शेप किया गया, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके पास देखा है जैसे कलरफुल ये दस्तियाँ लगी हुई है। फिर अभी ये वैसे तो हम जब कहीं से जाते हैं छुरी तकरीबन कितने पैसे मुझे शॉपिंग की और सब हो गया? ये जो है ना बाहर से आपको तकरीबन 10,000 रुपए का सेट मिलेगा। अच्छा, ये वाला अगर मैं इस शहर से बाहर से, अगर इधर से लेंगे ये 4,000 रुपए का इधर सेट। अरे वाह व्यूअर्स, ये देखें अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, और मेरे ख्याल छुरी चम्मच कांटा तो हर घर की जरूरत है। ये अगर आप, हाँ, और सबसे वजनी सेट है, वजनी सेट है। चाकू भी बड़े मशहूर है, छुरियां कांटे तो एक जगह। तो ये मैं चाकू देख रही थी जी, ये तो मास्टर के चाकू। वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताएं आपके पास टाइम है क्या क्या? बटुआ पा सकते हैं आप? देखिए अच्छा बिजनेस मैन है, इस टाइम आपके पास शाम हुई भी है जी, जी। माल गोदाम तो पड़ा होगा आपके पास, सारे दिन की बिक्री पड़ी होगी। चलिए ये बताएं कि क्या अच्छा बिजनेस है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन बिजनेस। चाकू किस किस काम आता है ये बताएं जरा मुझे। ये शिकारी वगैरह हमसे लेते हैं चाकू। शिकारी है, जेब काटने के भी काम आता है। कभी कोई पास आया उसने कहा कि भाई साहब जेब जो जल्दी से कट जाए वो वाला चाकू दिखा। बिल्कुल, बड़ा तेज है। सीरियसली ऐसे कभी कोई आया पास? किसी के साथ दिया हो आपने? अल्लाह अच्छा मुझे ये बताएं कि वैरायटी मैक्सिमम आपके पास, ये तो आपने बताया ना कि 10,000 का सेट है, बाहर से मिलेगा 4, लेकिन यहाँ पे शेफ ब्रांड की छुरी है हमारे पास जो कैनेडा में जाती है। ये तेज बहुत है, हाथ ना लगाना, ठीक है? बड़ी जबरदस्त तेज है, एक दफा ही उतार देगी। अरे वाह, इसकी प्राइस क्या है? ये जानिए, हमने बनाई है, तैयार की है कैनेडा के लिए। अच्छा, एक पार्टी है हमसे बनवाई है। तो इसकी कीमत क्या है? ये 5,000। 5,000 की, जरा कोई डेमो तो दिखाएं। हाँ, ये तो दिखाएं। किसी बेजान चीज पे ये बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ी जबरदस्त। हाँ। अरे वाह, ओए होए, ये नहीं फोर्स भी नहीं लग रही, दिखाएं मैं भी करके देखूं। देखे हाथ में भाई साहब, बहुत ही आपने ना खतरनाक, बड़ी जबरदस्त चीज है ये। क्या मतलब, इतना मोटा गत्ता है, और एक होता है कि यहाँ से फोर्स लगाते हैं, हमने यहाँ से लगा रहे फिर भी वो काट रही है। वाओ, बड़ी जबरदस्त चीज। मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छी छुरी जी, जी, और अगर किसी ने अफोर्ड करनी हो बहुत ब्रांडेड किस्म की, सबसे सस्ती की कितने मिलेगी? सस्ती छुरी जो है ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा, ये मेरे घर में भी है, और ये इतनी तेज होती है, बहुत मजे की छुरी होती है ये। वाह, ये कितने की है? सिर्फ 60 रुपए की। 60 रुपए की, देखें भाई। वाह, और ये मैं खुद यूज करती हूं। ये ना, अगर आप शेफ नहीं भी है ना तो आपको शेफ बना देती है। ये भी बड़ी तेज छुरी है, बहुत। ये देखे ना, बड़ी। आपके काटने का अंदाज कुछ सही नहीं है, मैं बता दूं आपको। आप कैमरे पे जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये हमारा न्यूज चैनल है,
हम पकड़ने में आए ना, पकड़ लेंगे आपको। स्टाइल नहीं सही आ गई, क्या स्टाइल है, मतलब तहमुल से काटता है। चलें जी, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आपसे बात करके। और जो आपका शर्माने का अंदाज है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप पीछे ही चलेंगे। मैं सोच रही हूँ दुकान से बाहर ही निकल जाए, इनसे पहले ही इजाजत लेते हैं। ये है हमारा द सिटी ऑफ कटलरी वजीराबाद। बता नहीं सकती, और मेरा प्रोग्राम शहरनामा मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि इसके थ्रू मैं पाकिस्तान का हर चप्पा चप्पा, गली गली और हर जगह की सैर कर रही हूँ। और मेरे साथ आप भी हैं, ये मत भूलिए। और मैं कहीं भी गई हूँ ना, तो हर शहर की एक खास चीज थी, उसकी तारीख तो अट्रैक्टिव होती है, जैसे कि वजीराबाद की भी तारीख बहुत अट्रैक्टिव और बड़े बड़े हुक्मरानों से भरी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी तारीख जो है वो थोड़ी मांद पड़ रही है। जैसे बहावलपुर में गए तो उन्होंने अब तक अपने नवाबों के बिल्डिंग्स को कायम रखा हुआ है, उसका टेक केयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा थोड़ा दिल खराब हुआ कि यहाँ पर ऐसा कम देखने को मिला। लेकिन अब चूंकि शाम हो चुकी है और मुझे पता चला कि वजीराबाद में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसको कहा जाता है हेड खान की वर्क्स, और ये इसका पुराना नाम है। जब इसको तामीर किया गया था उसके लिए मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसको 1889 में तामीर किया गया था, कुछ कहते हैं जी 1898 में किया गया था। खैर उसको छोड़े, बात यह कि हमारे पास है ये खजाना, और इसकी दोबारा से भी तामीर हुई थी। कहते हैं कि तकरीबन वो 2017 या 2019 के करीब इसको दोबारा तामीर किया गया था। लेकिन एक चीज़ मुझे देख के इतनी खुशी हुई है कि इतना खूबसूरत नज़ारा है, और ये हमारा खूबसूरत पाकिस्तान है। और जी व्यूअर्स, वजीराबाद की एक पहचान यहाँ की मछली खास, और ये मछली खास क्यों है वो तो हम जानेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि खाने से पहले थोड़ी सी खुद भी मेहनत कर ली जाए। वैसे तो सारा दिन आपको सैर करवाते करवाते मेहनत हो ही रही होती है, लेकिन सोचा कि आज अगर खाना है कुछ तो उसके लिए खुद मेहनत की जाए। आपने देखा होगा कि अक्सर एपिसोड्स में खाने का जो पोर्शन है वो माइनस करती जा रही हूँ, क्योंकि खाना इतना पड़ता है कि वेट गेन होता जा रहा है। लेकिन आज मछली भी सामने, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मछली को हम जाने दें, ये चम्मच दिखाएं जरा मुझे। व्यूअर्स, क्या शाहाना लाइफस्टाइल है कि सुबह से शाम तक आप सैर सपाटा करो और शाम को खाने की सजी हुई प्लेट आपके सामने आ जाए, और वो भी खूबसूरत ताज़ा दम दरिया की मछली। और इस वक्त मेरे सामने मछली तल के आ चुकी है। मैंने कहा जो मेरे हाथ की तली थी वो बिल्कुल मत दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं अच्छा पॉजिटिव रिव्यू देना चाहती हूँ। पता नहीं मैंने कैसी तली होगी। तो अब लेकिन ये मछली का जो अंदाज़ इन्होंने प्रेजेंट किया ना मेरे सामने, बड़ा ही मुख्तलिफ। मोस्टली हम इमली की चटनी देखते हैं मछली के साथ, लेकिन सबसे पहले तो मैं बिहाइंड द कैमरा ये चटनी टेस्ट करी थी, वही दोबारा करके बताऊंगी। बहुत मज़ेदार चटनी है, इसमें पता चल रहा है कि घर के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर साथ में पुदीने का रायता, उसके बाद फिर एक जो यूनिक चीज वो ये कि ये है जी इसकी प्रेजेंटेशन, ये मिर्चें हैं बड़ी बड़ी वो फ्राई कर रखी हैं, फिर साथ में इन्होंने लेमन दिया है जी। चले अब हम इसको शुरुआत करते हैं। यकीनन मैं असल में वेट करवा रही थी कि आपके मुंह में ना पानी आना शुरू हो जाए, यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा ये। तो व्यूअर्स, अब मैं खाने जा रही हूँ वजीराबाद की द वन एंड ओनली मशहूर। मेरे कैमरामैन जो है वो भी इस टाइम मुंह में उनके पानी आ रहा है, तो आप लोगों के कैसे नहीं आ रहा होगा। मैं ना ऐसी जो खाने पीने वाले लिंक्स होते हैं ना, मैं कहती हूँ तसल्ली से होने चाहिए ताकि अच्छी तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, यू नो। अरे वाह, ये देखें क्या कंगी बन रही है इसकी। आला
बहुत ही आला। याद उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो ना सिर्फ अपने लिए जीते हैं बल्कि अपने वतन और अपने लोगों के लिए जीकर एक तारीख रकम करते हैं। और वजीराबाद की सरजमीन ने भी ऐसे कई लोगों को देखा, जैसे कि शेर शाह सूरी, नवाब वजीर खान और हमारे अजीम रहनुमा मौलाना जफर अली खान। लेकिन यहाँ आकर एक चीज का दुख हुआ कि इस शहर के वासियों ने इस खत्ते की तारीख को उस तरह से नहीं संभाला जैसे कि हक था। मगर उसके बरक्स एक चीज देखकर खुशी हुई कि यहाँ का जो आर्ट ऑफ कटलरी है उसने कहीं ना कहीं मुल्क की मईशत को संभाला दे रखा है। इसी वजह से ये टाइटल ओन करते हैं द सिटी ऑफ कटलरी। तो आज हमने शहर की वजीराबाद की, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे आपके शहर में। तब तक के लिए उकाशा गुल को और मेरी शहरनामा की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।